इस समय उन्नाव जिले की कृषि विभाग कार्यालय में मैं किसानों के प्रति संबंधित जानकारी के लिए कृषि निदेशक डॉक्टर नंदकिशोर जी के यहाँ उपस्थित हूँ। जरा इनसे जानकारी ये चाहते हैं कि किसानों के संबंध में जो भी सुविधाएं सरकार की तरफ से आई हुई हैं उन्हें तत्परतापूर्वक अवगत कराने की कष्ट करें। जनपद के किसान भाइयों के लिए सबसे पहले तो ये है कि इस समय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, तो इस योजना में जिन किसान भाइयों ने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हो वो किसान भाई अपना आधार कार्ड की कॉपी, बैंक की पासबुक की कॉपी और उनके ज़मीन का जो पेपर है, इंतखाब या खतौनी वगैरह, उसकी कॉपी लेकर के और अपने लेखपाल के पास में या हमारे बीज भंडार के पास में जा करके घोषणा पत्र में दस्तखत करके उसको जमा कर देंगे तो तत्काल ही उनका जो है उसमें पीएम किसान पोर्टल पर पंजीकरण कर दिया जाता है, जिससे उनके साल भर में जो है चार चार महीने में दो दो हज़ार रुपया उनके खाते में सम्मान निधि की धनराशि आने लगती है। और दूसरे ऐसे किसान भाई जिनका कंप्यूटर पे पोर्टल पर नाम लिखा हुआ है लेकिन आधार कार्ड में जिस तरह से नाम की स्पेलिंग होती है उसी तरह से, बिल्कुल ठीक उसी तरह से कंप्यूटर में भी नाम की स्पेलिंग को ठीक कराने के लिए संशोधन की प्रक्रिया भी चल रही है। तो इस समय सभी बीज भंडार पर यहाँ जिले में NIC में और डिप्टी डायरेक्टर कार्यालय में सब जगह ये कार्य हो रहा है, किसान भाई कोई भी अपने आधार कार्ड से नाम का जो स्पेलिंग है उसका संशोधन करा लें। और यदि किसान भाई का आधार कार्ड पुराने समय में किसान भाइयों ने कोई गलत आधार कार्ड दे दिया है, नंबर दे दिया है, फील्डिंग हो गई है, तो उसको आधार नंबर भी जो है संशोधन कंप्यूटर में किया जा रहा है। ये संशोधन कराने के बाद में किसान भाइयों को ये सम्मान निधि की धनराशि भी प्राप्त होने लगेगी। दूसरी चीज़ है किसान भाइयों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान भाइयों से यही निवेदन लगातार हम लोग कर रहे हैं कि किसान भाई सरकार की योजना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, तो इसके तहत सभी किसान भाई जो खेती किसानी में जो भी धनराशि लगाना पड़ता है तो इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लें। 1,60,000 तक के किसान क्रेडिट कार्ड के लिए कोई भी जो है 12 साल वगैरह की जरूरत भी नहीं पड़ती है, ऐसे आदेश भी कलेक्टर साहब ने कर दिए हैं। तो बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड लेकर के उनको जरूरत का पैसा बैंक से ले लें, खेती किसानी में लगाएं, फसल 6 महीने के अंदर आई जाती है फिर बैंक में जाके जमा कर दें अगली फसल के लिए फिर ले लें, तो 4% ब्याज पर एक तो किसान भाइयों को वो पैसा मिल जाता है। दूसरी जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ऐसे किसानों की जो फसल है वो आच्छादन हो जाता है, उस बीमा कंपनी को एफोर्ट होगी और जिले की उसको जो है प्रीमियम का पैसा किसान क्रेडिट कार्ड वाले किसानों को बैंकें दे देती हैं। प्राकृतिक आपदा में ओला जैसे इस समय पड़ गया या बरसात हो गई या टिड्डी का अटैक हुआ एक गांव में पता चला, तो इस तरह से कोई भी प्राकृतिक आपदा से अगर नुकसान आएगा तो उसको जो है ग्राम पंचायत स्तर पर उसकी क्रैपिटिंग करा करके और उसको किसान भाइयों को इफको टोक्यो बीमा कंपनी उनके खाते में मुआवजा भी देने का काम करती है। इसके अलावा किसान भाइयों के लिए इस समय प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जो है स्प्रिंकलर सेट है, ड्रिप इरीगेशन है, लपेटा पाइप है, ये सभी चीज़ें जो है इस समय जो है बीज भंडार पर और उद्यान विभाग में उपलब्ध हैं। किसान भाई ये भी जो है जाकर के 50% से लेकर के 90% तक के अनुदान पर ये सारी चीज़ें इस समय किसान भाइयों के लिए उपलब्ध हैं, जिससे जरूरत भर का ही पानी खेतों में लगाएंगे, ज़्यादा पानी कतई न लगाएं, ज़्यादा पानी लगाने से ऊसर हो जाता है और जमीन बिगड़ जाती है। तो डॉक्टर साहब एक तो किसानों के लिए सरकार सहायता राशि दे रही है जैसे कि 90% पे किसानों के यंत्र के लिए छूट दे रही है, तो किसानों को क्या क्या कागज देने पड़ेंगे इसके संबंध में थोड़ी जानकारी? को जो स्प्रिंकलर सेट है और ड्रिप इरीगेशन है इसके लिए किसान भाई जो है क्या कहते हैं बीज भंडार पर जा करके या उद्यान विभाग में जो है जा करके वो अपना जो है किसान का पुष्टि के लिए उनका एक अपना कागज होगा, इसके बाद आधार कार्ड होगा, बैंक की पासबुक होगी, ये सिर्फ लेकर के जाना है, आवश्यकता देने की नहीं होगी क्योंकि इससे आपका एक बार कंप्यूटर मिलान करके और आपके लिए जो है उसमें जो है आपको एक तरह से टोकन जो है जनरेट करने की व्यवस्था लज के हिसाब से कर दी जाती है। तो आप फिर जा करके कहीं से भी जो ISI मार्क का अधिकृत कंपनियां हैं, जो दुकानें हैं, फर्म हैं, कहीं से भी जिले में जहां आपको उपयुक्त लगे, अच्छी क्वालिटी के मिले, वहां से वो किसान भाई
स्प्रिंकलर सेट खरीद लें, ड्रिप इरीगेशन खरीद लें, लपेटा पाइप खरीद लें, जो भी चीज़ें हैं ये वहाँ से ले सकते हैं। और लेने के बाद में वो सारे पेपर जो टैक्स इनवॉइस होंगे वो बिल जो है फोटो के साथ में जमा कर देंगे इन्हीं कार्यालयों में, कार्यालय से कंप्यूटर में अपलोड हो जाता है और उसका सत्यापन होने के बाद में उनके खाते में डीबीटी के तहत पूरा अनुदान की राशि उनके खाते में चली जाती है। डॉक्टर साहब एक और जानकारी, किसानों के फसल में ओले गिर गए या फसलों में नुकसान हो गया, इसके लिए थोड़ा सा सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधाएं हैं और कैसे उनको सुविधा मिलेगी इस संबंध में जानकारी चाहिए। इसमें जो अभी ओले की या कोई ऐसी समस्या जनपद में प्राकृतिक आपदा की कोई ऐसी, और इसके अलावा फाइनल ऐसे किसान जो प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त हुए हैं उस ग्राम पंचायत के, उनका फाइनल जो है जब क्रॉप कटिंग होगी, क्रॉप कटिंग करके जो मुआवजा बनता है उस मुआवजे में से इतना मुआवजा काट करके शेष मुआवजा का भी भुगतान किसान भाइयों को होता है। तो ये इसलिए, इसके अलावा हम स्वयं भी इफको टोक्यो कंपनी के जो हमारे विकास खंड के जो उनके कार्यकर्ता लगे हुए हैं और जनपद के कार्यकर्ता लगे हुए हैं, तो विकास खंड के अपने बीज भंडार के कर्मचारी और कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में भी हम दौरा करके जो है ये सुनिश्चित कराते हैं कि जहाँ जहाँ छत हुई है प्राकृतिक जो है ओले की वजह से बरसात की वजह से, तो खुद भी स्वयं भी जो है उसको आकलन करके उसकी रिपोर्ट देते हैं, उस रिपोर्ट को हम लोग भिजवाते हैं। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने किसानों के संबंध में हमें बताई है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि डॉक्टर साहब की बात पे तत्काल खबर के माध्यम से, चैनल के माध्यम से जानकारी कर और अपने निकटतम राजकीय कृषि बीज भंडार पे जा करके इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं मनोज कुमार के साथ रामसर कटिया।